फाइनली इस सीरीज को भी हिंदी में डब करने के बाद डाल दिया गया नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है डीपी, जो कि एक कोरियन ड्रामा सीरीज होने वाली है। और इसे देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आपको ये देखनी चाहिए या नहीं, और अपना जो कीमती समय देना दे उस सबको जाने के लिए तो आपको इस रिव्यू पर बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले बता दो, इस सीरीज को ना 80 प्लस में रखा गया, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ अडल्ट सीन नजर आएंगे और साथ में भर भर के गालियां भी नजर आने वाली है। और इस सीरीज को खत्म करने के लिए आपको 6 एपिसोड देखने होंगे, यानी कि 6 घंटे ही आपको देने होंगे, क्योंकि पर एपिसोड जो है ना 1 घंटे के अराउंड का है। तो आप समझ गए ना, यानी 6 घंटे काफी ज्यादा लंबा समय लेने वाली है ये सीरीज आपका। अब ज्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाते, सीधा स्टोरी पे आ जाते हैं। अब स्टोरी क्या है, इसका प्लॉट क्या, वो मैं आपको समझा देता हूं। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम है एंजू, जी हां, जो 2 साल के लिए मिलिट्री कैंप को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मिलिट्री कैंप को ज्वाइन करने के बाद ना उसकी लाइफ बदलने वाली, क्योंकि मिलिट्री कैंप में जाते ही ना उसके साथ काफी तगड़ी रैगिंग होने वाली है, और वो रैगिंग करेंगे उसके सीनियर। जी हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ना उसे ये तसल्ली भी मिल जाती है, उसे ना शिफ्ट कर दिया जाता है एक डीपी डिपार्टमेंट में। और डीपी डिपार्टमेंट मिलिट्री का ही एक डिपार्टमेंट होता है, जहां पर क्या होता है, जो कि मनचले लड़के होते हैं ना, जो मतलब कि ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते और उस कैंप से भागना चाहते, उन सबको पकड़ने का काम जो होता है ना, पकड़ाई वाला, वो डीपी डिपार्टमेंट का होता है। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है कारगोरियन, कुछ ऐसा ही नाम है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कुछ अजीब ही नाम होते हैं भाई इन सीरीज के अंदर। तो भाई अब ये दोनों मिलके ना उन लड़कों को पकड़ते हैं जो ट्रेनिंग ग्राउंड से भाग जाते हैं, यानी कि इस मिलिट्री कैंप से भागने की कोशिश करें। अब वो ना इस मिशन को, या आप कह सकते हैं अपनी ड्यूटी को, किस प्रकार से पूरा करते हैं और कैसी कैसी कठिनाई उन्हें देखने को मिलती है और किस किस तरीके से करते हैं, और भाई सब क्या कॉमेडी पंचेज ड्रामा ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो सब जो जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अब बात करेंगे कहानी कैसी है, तो सबसे पहले बता दूं, देखो कहानी तो कुछ अलग है, आप कह सकते हो कि अलग पॉइंट दिया गया, एक अलग ही चीज़ पर काम किया गया, लेकिन कुछ नयापन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन स्टोरी का प्लॉट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन, और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी प्रेजेंटिंग भी की गई। लेकिन इसके अंदर जो दुखी करने वाली है वो चीज़ है कि इसका जो एक्शन सीक्वेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको निराश कर सकता है। अब बात करें इसके स्क्रीन प्ले, तो इसका स्क्रीन प्ले का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा निकल के आया, क्योंकि इसके स्क्रीन प्ले में आप ना पूरी तरीके से बन जाते हो, क्योंकि कम्बैट फाइटें होती हैं जो छोटी मोटी होती हैं वो आपको बांधे रखती हैं, और जो कॉमेडी के हल्के फुल्के सीन आपको दिखाई देते हैं वो आपको इंटरेस्ट बनाए रखने पर मजबूर करते हैं, जिस वजह से आप इसके साथ बंधे रहते हो। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि आप ना इस सीरीज़ को देखने के बाद बोर तो नहीं होने वाले, लेकिन इस सीरीज़ का जो रन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसा लगता है कि सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा खींचा गया है, तो उस वजह से आपको हल्का फुल्का तो फील हो सकता है लेकिन बोर तो नहीं फील होगा। और वहीं बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो सबसे पहले बता दूं जो इसका VFX और सिनेमोग्राफी है उस पर अच्छा खासा काम किया गया, उस हिसाब से लगता है प्रोडक्शन बजट काफ़ी अच्छा खासा है। जिस हिसाब से इसकी साइटें पर जहाँ पर शूटिंग की गई है वो काफ़ी अच्छी खासी थी, कैमरा वर्क भी अच्छा किया है, यानी कि जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने अच्छा खासा काम इसके अंदर दिखाया है। फिर भी आपको ये सीरीज़ देखनी है नहीं, तो उससे पहले बता दूं एक्टरों की जो परफॉर्मेंस थी, जो एंजून का जो काम है ना वो तो मुझे अच्छा लगा, उसकी करेक्टर राइटिंग भी ठीक ठाक है, और जो इमोशनल कुछ चीज़ें होती हैं वो चीज़ें की काफ़ी ज़्यादा मुझे कमी इसमें खलती हुई नजर आई। बाकी जो एक्शन सीक्वेंस था उस पर अच्छा खासा काम किया है, कॉमेडी जो पंचेस डायलॉग डाले गए उस पर अच्छा खासा काम किया है। बस आपको जो इस सीरीज़ का ड्रामा है जिसमें इमोशनल कुछ चीज़ें और हो सकती थी उन चीज़ों को नहीं डाला गया है, वही कमी आपको खलेगी। बाकी ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, आपको देखनी है नहीं तो मैं पहले बता चुका हूँ 80+ है तो परिवार यानी बच्चों के साथ तो बैठ के बिल्कुल ना देखें, और अडल्ट हो चुके हैं थोड़े से परिवार में काफ़ी, तो आप बैठ के देख सकते हो, वैसे तो कोई देखता ही नहीं है। अगर कुछ अलग तरह का पॉइंट आप देखना चाहते हो इस सीरीज़ के अंदर तो आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा आप वो मस्ट वॉच करनी है, अगर आप इसे देखते हो तो भी सही है, नहीं देखते तो आपका कुछ नहीं जा रहा घंटा भी। तो मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, यहाँ जाके फॉलो कीजिएगा, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर कोई जा नहीं रहा है फॉलो करने, चले जाओ यार।